बदलती भारत की धरती। स्वच्छ कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समुचे देश को एक सूत्र में बांधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। देशवासियों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए बिना रुके बिना थके निरंतर रचना स्वस्थ भारत सशक्त भारत, सशक्त भारत स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, समृद्ध भारत वैभवशाली भारत। आइए आत्मविश्वासी भारत की इस बुलंदी के अभिनाय का सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र नायक का हृदय की तालियां थाम कर आभार जताए अभिनंदन करें। परम सताए प्रधानमंत्री जी के लिए आपके वर्षों के और धन्य हो गया। बल्ले 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 आज विजयो इस पावन मौके पर माता नैना देवी आरे आशीर्वाद ने तुआ सरिया पाराया दर्शन रहा सौभाग्य सारा जो मेरे राम श्री बड़ी बड़ी बधाई। हिमाचल के राज्यपाल श्री राजेंद्र आवेकर जी, हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सुगंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद व विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए इन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए सहयोग, विजयादशमी हो और विजय का रंग सिंगा फूकने का अवसर मिले ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया।
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का डबल किट मिला है। कलुआरी मंडले धारा ऊपर हाइड्रोकॉलेज कने थल्ले एम्स हुए ऐसी पहचान हुए। भाई और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विकास विरासत का साक्षी बनने जा रहा और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब यहां बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था यहां पैदल टहलते थे, कभी मैं सुमन जी नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब 5 इंद्र रथ यात्रा यहां से होकर और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जब सभा हुई थी। अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी